आज 2023 की डेट में टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक हमारे पास नाम आता है, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, क्योंकि अपने देश में इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जो पॉपुलेशन समस्या है वो एक बात अलग है, बट उससे ज्यादा समस्या हमारे सामने खड़ी होती है क्वालिटी एजुकेशन की। जब तक स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक अपने देश का भविष्य और आगे जाकर और तरक्की कर नहीं पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए अच्छे संस्थानों का होना जरूरी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज का होना जरूरी है, अच्छे स्कूल्स का होना जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि अपने देश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी हो भी सकती हैं। अपने देश में जहां पर आज की डेट में लगभग 141 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है और विश्व में नंबर वन पर आ चुकी है जनसंख्या के मामले में, पर देश में अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो टोटल दोस्तों, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज़्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज़्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज़्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज़ में से दोस्तों एक यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, या फिर हम बोले महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है, यूनिवर्सिटी का नाम पहले कुछ और था, क्यों यूनिवर्सिटी का नाम बदला, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें या ना लें, यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी अगर हमने कोर्स कंप्लीट किया है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कैसे करवाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, जो आप पूछना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि आज सभी सवालों के जवाब दे सकूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी या फिर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से चलती हैं सभी यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, देखा जाए टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आज 2023 की डेट में टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इन सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक हमारे पास नाम आता है, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि पहले सिर्फ HGU हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से चलती थी। यूनिवर्सिटी बनी 2016 में, 7/12/2016, अभी चल रहा है 2023, लगभग 6-7 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं अभी तक चलते हुए। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वो है प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी, और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो है डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा। अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में यूनिवर्सिटी चलती है, और यूनिवर्सिटी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hgu.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कुछ दूसरे अप्रूवल्स भी हैं और यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी पे जितने भी कोर्सेज किए जा रहे हैं वो सब कोर्सेज मान्य भी हो, और साथ में ही यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज को कराने वाली है उन सबका अप्रूवल भी हो। उन सबको चेक करने के लिए आपको उस काउंसिल बॉडी में उसका अप्रूवल चेक करना होगा, और पहले यूनिवर्सिटी को UGC पर जाकर चेक करना होगा। तो कैसे आप चेक करेंगे महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का UGC पर? सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको UGC पर चेक करना ही होगा, क्योंकि अपने देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेट की जाती हैं UGC के द्वारा, और UGC को देखता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब दोस्तों बात ये आती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं वो सभी UGC के अंडर काम करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर। ये जो यूनिवर्सिटी है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इतना लंबा जो नाम है, पहले ये नाम नहीं था, पहले फॉर्मली हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से ही इस यूनिवर्सिटी को जानते थे जो उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल में है। यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती हैं वो सभी सेक्शन 2F के तहत बनती हैं, 1956 का जो एक्ट है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, उसके तहत ही ये यूनिवर्सिटी भी बनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक।
तो इसको चेक करने के लिए यूजीसी पर, क्योंकि यूजीसी सब यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, सबसे पहले आप टाइप करेंगे www.ugc.gov.in। जैसे ही इस वेबसाइट को आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा यूजीसी का, उस यूजीसी के इंटरफेस पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में जाकर आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में जाएंगे आप उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जाने के बाद में उत्तराखंड, जैसे आप क्लिक करते हैं सभी स्टेट के जो नाम आए हैं वहां उत्तराखंड लिखा होगा, तो जैसे ही आपने उत्तराखंड पर जाके क्लिक किया तो यहां पर टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो उत्तराखंड में चलती हैं, टोटल 21 यूनिवर्सिटीज जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन सबकी लिस्ट खुल जाएगी। 9वें नंबर पर आप देखेंगे तो यहां पर महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स है, जो यूनिवर्सिटी 7 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आती है और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट sgu.ac.in है। यूनिवर्सिटी को और बेहतर तरीके जानने के लिए यूनिवर्सिटी की मोर डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए। मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फोन नंबर लिखा है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेल आईडी लिखी है और साथ में ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी लिखी है। वाइस चांसलर साहब की डिटेल डली है, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, उनका फोन नंबर है, उनकी मेल आईडी भी है यहाँ मेंशन। साथ में ही जो रजिस्ट्रार साहब है प्रोफेसर प्रदीप कुमार डे, यहाँ पर उनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी मेंशन है। ये सब डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटी की, तो मतलब यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है, तो कम से कम यूजीसी पर चलो लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी मान्य है, आप मान्य इस यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो। पर क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज पर जो आप सवाल हमसे पूछते हो एडमिशन लेने के लिए, दोस्तों हम इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए बोले या ना बोले वो एक अलग चीज है, अपने विवेक से काम लें। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जाते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस देखें, फैकल्टी मेंबर्स से मिले, जाके हॉस्टल देखें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल नाम का तो वर्ड ही नहीं है दोस्तों, हॉस्टल नहीं है यूनिवर्सिटियों के पास, तो कैसे वो पढ़ाते हैं, वो भी इंटीरियर में, इतनी इंटीरियर में यूनिवर्सिटीज बनती हैं, बाहर से कैसे स्टूडेंट पढ़ने आते होंगे और लोकल कितने एडमिशन ले लेते होंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सोचने का दोस्तों विषय हो सकता है जो आप हमसे सवाल पूछते हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन का एक फॉर्म हालांकि डाला है, बट आप यूनिवर्सिटी को एक आरटीआई लगा दोगे तो आपके सभी तरह के जो सवाल हैं सब चीजों के जवाब आपको मिल जरूर जाएंगे, क्योंकि आरटीआई एक गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड है अगर आपका, तो वो वेरीफाई करने में यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। अब दोस्तों हालांकि यूनिवर्सिटी जो भी कोई हो जिसको यूजीसी की मान्यता प्राप्त है, बहुत तरह के कोर्सेज वो करवाती है, बट बहुत सारे कोर्सेज को चलाने के लिए काउंसिल की जरूरत होती है, काउंसलिंग से अप्रूवल लेना होता है। यूनिवर्सिटी जब यूजीसी से अप्रूवल मिला तो सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में ही यूजीपीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पीएचडी में एडमिशन यूनिवर्सिटी ले सकती है। अगर यूनिवर्सिटी को कोई दूसरे कोर्सेज चलाते हैं जो काउंसलिंग वाले कोर्स होते हैं तो उस काउंसिल से अप्रूवल यूनिवर्सिटी को लेना होता है, बिना काउंसलिंग का अप्रूवल लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती। जैसे कि हम बीएड की बात करें तो एनसीटी का अप्रूवल चाहिए, एलएलबी की बात करें बीसीआई का अप्रूवल चाहिए, हम बात करें फार्मेसी की तो पीसीआई का अप्रूवल चाहिए, और अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल चाहिए। ऐसे ही अलग अलग काउंसिल्स अप्रूवल देती हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है चलो हम वो भी आपको बता देते हैं। अब दोस्तों क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी 2016 में, चल रहा है 2023, लगभग 6-7 साल इस यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी के पास उतने अप्रूवल्स नहीं है जितने होने चाहिए थे, पर ठीक है जितने अप्रूवल चाहिए यूनिवर्सिटी को चलने के लिए वो सब अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास है। यूजीसी का अप्रूवल है जैसा मैंने अभी आपको बताया, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का आप ये मान लीजिए कि यही यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से, यूजीसी के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, इस यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। 3 साल के एलएलबी करेंगे, 5 साल ही करेंगे, कौन कौन से में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है, किसका अप्रूवल है वो तो हम लेटर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। साथ में यूनिवर्सिटी एलएलएम भी करवाती ही होगी क्योंकि बार काउंसिल का अप्रूवल है। साथ में ही आता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जितने भी डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी होता है। साथ में ही उत्तराखंड राज्य, मतलब कि जब यूनिवर्सिटी बनी तो स्टेट का अप्रूवल तो लेना ही होता है, वो अप्रूवल है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने बाकी कोई अप्रूवल शायद यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपने जो रेगुलेटर्स, जो बाकी जो अप्रूवल्स हैं उसके बारे में वेबसाइट पर ज्यादा खुलकर डिटेल में डाला भी नहीं है, ज्यादा अप्रूवल नहीं है इस यूनिवर्सिटी के पास, तो वो आपको देखना है कि एडमिशन आपको लेना है या नहीं लेना है। बट मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी मान्य है, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है, आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। फार्मेसी फिर भी थोड़ा ठीक चलता है यूनिवर्सिटी का, जो आप ही स्टूडेंट्स ने हमें बताया। और साथ में यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, मतलब किन किन कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, तो कोर्सेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो इनके पास हालांकि काफी सारे अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं। जैसे कि हम बात करें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा करवाती है यूनिवर्सिटी, बीटेक एमटेक तो यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, क्यों नहीं करवाती है, मे बी के फैकल्टी मेंबर शायद ना हो यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
मतलब कि आप BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ये कोर्स करवाती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से BCOM कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, साथ में ये आप MBA कर लीजिए, BBA कर लीजिए, मैनेजमेंट में जो कोर्सेज आते हैं मैनेजमेंट के, वो सब कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, मतलब कि आप BA कर लीजिए, MA कर लीजिए, BSc कर लीजिए, MSc कर लीजिए, BSW भी आता है, वो कोर्स भी आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। साथ में आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स करवाई जाती है। साथ में ही साइंसेज में आप इसमें MSc कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BSc का PCB, PCM या फिर ऑनर्स में कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं साइंस के अंदर। लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में, साथ में योगा एंड मेडिटेशन में एडमिशन ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज में ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी PhD में एडमिशन लेती है। PhD बहुत डिमांडिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने कुछ कोर्सेज को पर्टिकुलर तरीके से एडवर्टीजमेंट अच्छे से करती है, और PhD में बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। मैं आपको दोस्तों सिंपल ही बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी एक ठीक है, ये एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी है जैसी बाकी यूनिवर्सिटी चलती है, नॉर्मली अप्रूवल के साथ, बहुत अच्छे अप्रूवल के साथ तो यूनिवर्सिटी ये नहीं चलती है, ज़्यादा कुछ खास अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है भी नहीं। पर जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी जाकर विजिट करें, फैकल्टी मेंबर से मिलें, हॉस्टल शायद आपको ना मिले पर हॉस्टल जाके देखें, अगर हॉस्टल आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर। और जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं पिछले जो स्टूडेंट्स पास करके गए हैं या जो पढ़ रहे हैं, जाके उनसे मिलोगे तो आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होगी। यूनिवर्सिटी के सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से एडमिशन बिल्कुल ना लें, अपनी विवेक से काम लें, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में दोस्तों कुछ होता नहीं। आप अच्छे से एजुकेशन अगर लेते हैं तो मेरा मानना है जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तरक्की आप कर पाएंगे और अपना नाम कमा पाएंगे। आप 3 साल 2 साल या 1 साल किसी यूनिवर्सिटी को अपना देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है दोस्तों। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना एजुकेशन के मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को अधूरा समझता हूँ, और मेरी लाइफ में एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को अच्छे से आप देख लें। आप क्या और जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या किन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस अप्रूवल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हो आप इस महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, या कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, व्हाट्सएप करें, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर आपको डिग्री वेरिफिकेशन करवानी हो उसमें भी हम आपकी मदद RTI से रिलेटेड बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।